अभी लगेगी, अभी हम इंस्टॉलेशन करी नहीं अभी, इसके बाद दिखाएंगे। 70 वॉट एलईडी हिंडा की टॉबलेट, तो अभी स्टॉक रिम्स हैं, इसके बाद एलॉय के बाद दिखाने दिखाया था। एलॉय रिम्स लगे हैं सेम टायर के अंदर, 2500 के एलॉय, ऑटो एडजस्ट भी नहीं आता कुछ नहीं है, तो दूर ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं फोटो, चारों एक ही तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं रेयर का। ये तो कॉस्टिंग भी बताते चलो, 3300 हो गई इसकी कॉस्टिंग, 200 रुपये और कम। सबसे पहले इसमें लगा रखा है आज हार्नेस, लगाया भी हमने, ये फर्स्ट टाइम हो सकता है, फर्स्ट टाइम ही करूँगा, फर्स्ट टाइम शटर के साथ लगाया भी है, एसी वेंट भी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे अपने बिट्टू भाई के पास। जी भैया, बिट्टू भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो क्या कर रहे हो आज भैया? नेक्स्ट मॉडल रहने वाली है, एक्सी मॉडल रहेगा। एक्सी है? हाँ जी। ओके, बेस वेरिएंट रहेगा। ओके, नीचे मिंडा की फॉग लैंप्स एलईडी अभी लगेगी, अभी लगेगी। हम इंस्टॉलेशन करी नहीं अभी, इसके बाद दिखाएंगे। अपने पास जेन्युइन फॉग लैंप है, जेन्युइन अवेलेबल है। क्या कॉस्टिंग आ जाती है? 5100 के आसपास, इंस्टॉलेशन के साथ, वायरिंग वायरिंग सारी चीजों के साथ। ओके, जो उस अभी कर रहे हैं मिंडा, इसके साथ एलईडी यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर में 130 वॉट की एलईडी होगी, हाई बीम में और प्रॉब्लम में 70-70 वॉट की एलईडी आने वाली है। ओके, पूरा मतलब एलईडी सेटअप कर रहे हैं। ओके, साइड प्रोफाइल में कुछ कर रहे हैं अभी? साइड प्रोफाइल भैया अलॉय लगवा रहे हैं। ओके, बिफोर लुक देख सकते हैं एक बार आप, डोर क्लोज करके दिखाते हैं। साइड मिरर रहेगा टॉप ग्रेड वाला, तो अभी स्टॉक रिम्स हैं, इसके बाद अलॉय के बाद दिखाने वाले हम। मिरर मैनुअल रहने वाला है। ओके ठीक है भैया, अंदर से जाएंगे अपन तो इसके अंदर अभी बेसिक स्टीयरिंग को लगा दिया है, तो अभी डैम्पिंग कुछ होगी? डैम्पिंग भी मना कर रहे हैं, डैम्पिंग इनकी चॉइस नहीं है अभी। ओके हाँ जी, बाकी स्पीकर्स ब्लॉपंग के कॉम्पोनेंट प्लस पीछे ब्लॉपंग के क्विक्सल रहने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली ये पावर विंडो ऑप्शन तो इसमें फ्रंट में होगा? हाँ जी, फ्रंट में होता है, इसमें चारों लगने वाले हैं। ओके, वो भी जेन्युइन टाटा का। ओके, जेन्युइन टाटा लग रहे हैं। अभी इसमें जो होता है पीछे मैनुअली होता है? हाँ दिखा देते हैं एक बार, दिखा देते हैं अपना मैनुअली होता है यहाँ से कंट्रोल करने का, जो अपने पीछे के मिरर्स हैं। और बिट्टू भाई, जो हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, हाँ जी, क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इस वाली कार में? ये इसमें जो बेसिकली कैची रहने वाली है, वो हम टॉर्क की ही यूज़ करेंगे। ओके, कस्टमर की चॉइस थी टॉर्क की, फिर टॉर्क की यूज़ होगी। ओके, ऑप्शन देगा भैया को। ओके, जेन्युइन टाटा मिल जाएगी अपने पास, अभी भी रखी हुई जेन्युइन मोटर भी, ये तो मिल जाएगी बिल्कुल। ओके, उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी हाई होती है, तो अभी किस कॉस्टिंग में आप करके दे रहे हो? मैंने भैया को दिया, जिसमें 7.5% डिस्काउंट भी दिया भैया को। ओके, 9500 में हम लगा के दे रहे पावर विंडो, जेन्युइन पावर विंडो। ओके, और अंदर से दिखा देते कंडीशन अभी। आर्मरेस्ट लगेगा अभी। ओके, ये बिफोर लुक रहने वाला है, तो आर्मरेस्ट इसमें कंप्लीट पूरा सेट लग रहा है? कंप्लीट पूरा सेट लग रहा है, शटर के साथ लगेगा। ओके, आज हमारी फर्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम पूरा कंप्लीट सेट कर रहे हैं, और जो कंप्लीट सेट में पीछे आता है उसमें तो एसी वेंट भी होता है, एसी वेंट का ऑप्शन होता है, बाकी उसको चालू करना ना करना कस्टमर की अपनी चॉइस होती है। ओके, लोड लगेगा, तो अभी हम डमी छोड़ रहे हैं इसके अंदर। ओके, इसके अंदर डमी छोड़ रहे हैं, बाकी इसका पूरा कंसोल निकलेगा अभी और फिर इंस्टॉल होगा। बाकी और क्या क्या काम होगा? बैक साइड से भी एक पार्शल में होगा जेन्युइन। ओके, बूट लाइट होने वाला है, तो बिफोर लुक देख सकते हैं, यहाँ कोई बूट लाइट वगैरह नहीं इंस्टॉल करी, प्लेसमेंट की जगह मिलती है यहाँ पे। पीछे रिफ्लेक्टर अपन लगा चुके हैं, रिफ्लेक्टर लगा दिया अभी। हाँ जी, और एक ब्रेक लाइट अपन लगा चुके हैं, ब्रेक लाइट भी लग चुकी है। और बाकी मोस्टली इसके अंदर और क्या? माउंटेड कंट्रोल? माउंटेड कंट्रोल्स भैया अभी मना करें, लेकिन देखिए लास्ट तक कोई प्लान बनता है तो भैया का। ओके, एंड्रॉइड वगैरह कुछ? एंड्रॉइड रहेगा, 4 स्पीकर्स रहेंगे, डैम्पिंग तो बता दी, कैमरा ओईएम रहने वाला अपना ऊपर, सबसे टॉप क्वालिटी का आता है। ओके, तो अभी इसमें एंड्रॉइड फोन से यूज़ कर रहे हैं? रैप का होगा, 216 भी रैपर काट ले। ओके, बाकी कंप्लीट दिखाएंगे जो जो काम होगा अपना, एलॉयज आने के बाद भी दिखाएंगे। अभी इसका ये वाला तो अपना 4 विंडोज का आता है, 4 विंडोज का रहने वाला है। ओके, ये पीछे के विंडोज का रहेगा। ओके, ये टाटा जेन्युइन ही रहता है, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसी है, वो टॉर्क की रहने वाली है। ओके, ये टॉर्क की, टॉर्क की रहती है। अगर आपको टाटा जेन्युइन चाहिए वो भी मिल जाएगी। कॉस्टिंग क्या है अगर टाटा जेन्युइन लगा? 9.5-14.5 ओके, कॉस्टिंग भी बता दी हमने इसके साथ ही साथ। सो फाइनली नेक्सॉन का काम टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो बिट्टू भाई फ्रंट से क्या करोगे भैया? सबसे पहले तो 130 वॉट एलईडी। ओके, 70 वॉट एलईडी मिंडा की फॉग लैंप पे, 70 वॉट एलईडी। ओके, मिंडा की फॉग लैंप है ये, आप देख सकते हैं। ओरिजिनल की फिटिंग कैसे आती है? सेम ही आती है भैया। ओके, हाँ कॉस्ट उसकी ज्यादा है पर। हाँ कॉस्ट उसकी ज्यादा है, वो अपनी ब्रांड वैल्यू का खा रहे हैं। ओके, अपना एलईडी के साथ ये मिंडा का फॉग लैंप सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो यही रहता है कि मिंडा की फॉग लैंप एक अच्छी क्वालिटी की एलईडी। ओके हाँ जी, तो क्या प्राइस रेंज में रहता है ये भैया? 1200 की फॉग लैंप आती है विदाउट रिले वायरिंग।
प्लस एलईडी तो कॉस्ट डिपेंड करता है कैसा आपको लगाना है सीधा सा। कितने से शुरू हो जाती है एलईडी? एलईडी 500 से लेके 5500 की क्वालिटी अपने पास। ओके, 1300 की फॉग लैंप है। हाँ जी, उसके अंदर एलईडी आप जो मर्जी लगवा सकते हैं। और वायरिंग की कॉस्ट क्या हो जाती है? 800 रुपीज़ रिले वायरिंग की आती है मिंडा की। ओके, तो बाकी आप कॉस्ट जोड़ सकते हैं। बाकी फ्रंट में ये जो लगा रखा है, एक डिफ्यूजर लगाया हमने ABS। ओके, फ्रंट और बैक दोनों। ओके, फ्रंट बैक का सेट आता है ये? हाँ जी। ओके, सेट आता है। फ्रंट से इतना ही काम था? हाँ जी, फ्रंट से। ओके, साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल से देखते हैं, बिफोर लुक दिखाया था हमने। लाइट का रिस्पांस दिखा देते एक बार, ये देख सकते हैं हमने फॉग लैंप्स इसके ऑन कर दिए। फ्रंट में विजन देख सकते हैं। बाकी एक बार हेडलाइट जलाना, हेडलाइट ये हाई बीम है, ये लो बीम है। बाकी रिस्पांस देख सकते हैं आप सामने। फ्रंट से दिखाते हैं एक बार, कुछ इस टाइप की लुक आती है। तो बिट्टू भाई, इसमें और HID का सेटअप भी हो सकता था? HID हो सकता था, लेकिन भी अगर HID से अच्छा भी अगर किसी और ज़्यादा लाइट चाहिए तो प्रोजेक्टर का ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एक। ओके, प्रोजेक्टर तो 130 वॉट की LED। ओके, वैसे HID हेडलाइट्स में भी लग सकती है बिल्कुल ऑप्शन है। ओके, और साइड प्रोफाइल में हमने भी फोर लुक दिखाया था। अलॉय व्हील्स लगे हैं सेम टायर के अंदर, बिना लगवाए ब्रिजस्टोन के टायर रहने वाले हैं, 16 इंच के अलॉय व्हील्स। तो क्या कॉस्टिंग आ जाती है? 22,500। 22,500 के अलॉयज रहते हैं, अब के सेम टायर्स में लगते हैं। बाकी साइड मिरर हमने बिफोर लुक दिखाया था, ये टॉप वेरिएंट के साइड में रहने वाला हमारा। ओके, ये फोल्डिंग रहेगा, मैं आपको दिखा। ओके, ऑटो फोल्ड है। तो इसकी वर्किंग दिखाते हैं एक बार, ये देख सकते हैं अनफोल्ड हो गया, ये फोल्ड हो गया। तो अपना की के साथ भी वर्किंग करता है। प्रॉपर अंदर एक स्विच लगाया भी है। ओके, सेंसर स्विच लगाया गया है। ओके, स्विच से भी होता है कंट्रोल, एक बार दिखाएं स्विच से वर्किंग। एक बार स्विच से वर्किंग दिखाते हैं इसकी, अपने मिरर्स की, क्योंकि बेस मॉडल में आता ही नहीं है, ना कि ऑटो एडजस्ट भी नहीं आता, कुछ नहीं है, तो दूर की बात है। ये देख सकते हैं अपना एडजस्ट होता है। बाकी फोल्ड कर सकते हैं इसे, फोल्ड, ये देख सकते हैं फोल्ड हो गया, नीचे ही होता है, ये अनफोल्ड हो चुका है अपना, ये भी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। ओके, जेनुइन टाटा है। ओके, बाकी साइड प्रोफाइल में और देखा जाए तो यहाँ पे रूफ रेल भी इंस्टॉल करी है भैया, एक डोर वाइजर रहने वाला है लीक ब्रांड का। ओके, लीक ब्रांड का। बाकी कॉस्टिंग मानो क्या कॉस्टिंग आ जाती है अपने रूफ रेल? रूफ रेल्स की 1400 रुपए आती है, 2400 रुपए आती है। ओके, दो डिपेंड कस्टमर क्या लगवाते हैं। ओके, कॉस्टिंग में रखेंगे इस वीडियो को सारी। बाकी रेंज वाइज सस्ते में जाना, कस्टमर 500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। ओके, अच्छी क्वालिटी जाती है 1200-1300 रुपए का आता है, जो सुपीरियर क्वालिटी आती है। ओके, तो भाई ने बता दिया। बाकी ये अलॉयज थे, बाकी लोग देख सकते हैं, ये पूरा ब्लैक करवाया है, इस कलर के अंदर कंपनी वाइट देती है। ओके, इसकी फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हो, ये बहुत डिमांड आती है कस्टमर्स की ब्लैक करने में। ओके, इसमें वाइट आती है? वाइट आता है, तो ये भी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो ये पेंट होता है क्या होता है? नहीं, टेपिंग होता है, पूरा पार्ट निकल के टेपिंग होता है। अलॉय व्हील्स हमने दिखाई दी है, अलॉय व्हील्स दिखाए थे हमने बैक साइड। बाकी रेयर प्रोफाइल में दिखाते हैं तो एक रिफ्लेक्टर रहने वाला है, रिफ्लेक्टर की वर्किंग दिखाते हैं एक बार। ये देख सकते हैं इसकी वर्किंग दिखाते हैं एक बार ऑन करके। अपना स्कैनिंग मोड रहता है ये जी? ओके, स्कैनिंग मोड ऑप्शन मिलता है इसमें। बाकी रेयर डिफ्यूजर रहने वाला है, एक ब्रेक लाइट रहेगा जेन्युइन टाटा का। ओके, तो इसमें जो लगाया ये वेलकम ब्रांड में आती है डिफ्यूजर? ओके, बाकी ये अपना जेन्युइन वाला? हाँ, ये जेन्युइन रहेगा, ये वेलकम का रहेगा। ओके, जेन्युइन है। बाकी कॉस्टिंग की बात करूँ क्या आ जाता है? कॉस्टिंग में जो डिफ्यूजर आता है बेसिकली 5,500-7,500-7,500 तक के रेंज में जाएगा। ओके, क्वालिटी डिपेंड ऑन क्वालिटी। ओके, और ये जो ब्रेक लाइट रहेगी 600 रुपये की रहती है। ओके, और जेन्युइन टाटा भी मिल जाएंगे 1100-1200 रुपये में। ओके, कैमरा की प्लेसमेंट करिए इसमें? OEM कैमरा की प्लेसमेंट रहने वाली है, लोग यहाँ पे करते हैं, अपन यहाँ करते हैं। ओके, यहाँ करी हुई है हमने प्लेसमेंट, नाइट विजन मूविंग कैमरा रहेगा। ओके, बाकी पार्सल ट्रे वगैरह कुछ जेन्युइन टाटा? देखो ना डिक्की, जेन्युइन टाटा की पार्सल ट्रे रहने वाली है। ओके, टाटा देख सकते हैं। अपने पास बूट लाइट का ऑप्शन था, बहने हटवा दिया है। ओके, आपने लास्ट वीडियो में देखा भी था, बूट लाइट अपन ने लगाई थी जिसका कनेक्शन डिक्की से किया गया था। ओके, हाँ जी, लोग इसका डोर से करते हैं, अपन डिक्की से करेंगे। ओके, प्लस जेन्युइन टाटा पार्सल ट्रे रहने वाली है। ओके, बाकी इंटीरियर में दिखाते हैं, सीट कवर का काम भी हुआ है इसके अंदर। बिफोर लुक हमने आपको इसका दिखाया था, जो कि फ्रंट टू इसके में जो विंडोज आते हैं वो पावर रहते हैं, और बैक के अपने मैनुअली सेट होते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, चारों एक ही तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं। रेयर का पर जो हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, ओरिजिनल टाटा एंड आफ्टर मार्केट में डिफरेंस एक बार दिखा देते हैं। ओके,
एक बार डोर क्लोज करके दिखा देते हैं। वैसे तो इसकी भी इक्वली है, इसकी जैसे चॉइस हो गया वो लग जाएगा। ओके, बाकी उसका रिलायबिलिटी ज़्यादा है? रिलायबिलिटी भी दोनों का सेम है, ख़राब कोई नहीं होगा। ओके, वारंटी कुछ? हाँ, वारंटी कुछ नहीं आता, वायरिंग की वारंटी हमारी है, पीस की वारंटी वैसे कंपनी दे देती, दुकानदार दे दे अलग बात है। ओके, लेकिन ख़राब भी नहीं होता ये चीज़। ओके, बाकी ये डिफरेंस था, बाकी पीछे से कंट्रोल करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं पीछे से भी वर्किंग हो रहा है, जो कि अपना जेन्युइन टाटा लगा हुआ है। और यहाँ पे अपना पहले ऑप्शन आता था मैनुअली, यहाँ पे ये लगाया भी है कि अगर किसी कस्टमर को इसमें ट्यूटर लगाना है ट्यूटर भी लग जाता है। ओके, बाकी किसी को अगर डोर प्लग चेंज कराना है डोर भी चेंज हो जाएगा, पूरा डोर भी चेंज हो जाएगा। हाँ जी, अगर खाली इसके लिए किसी कस्टमर का बजट है कि भी हमें पूरा डोर चेंज कराना है तो वो भी ऑप्शन है। ओके, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी ये हमने दिखा दी, अब इंटीरियर से जाते हैं एक बार। आइए इंटीरियर में सबसे पहले दिखाते हैं, इसमें हमने करे हैं सीट कवर्स इंस्टॉल। सीट कवर की क्वालिटी देख सकते हैं, तो बिट्टू भाई ये कुछ अलग सीट कवर है इस बार, तो ये कुछ अलग सीट कवर। हाँ जी भैया, इंस्टॉल करे हुए हैं। तो ऐसे सीट कवर की कॉस्टिंग क्या आ जाती है भैया? अगर प्रीमियम क्वालिटी सीट को लेंगे 6500 रुपीज़ कॉस्टिंग आती है। ओके, अगर हल्की लेंगे 3000, 2500, 4000 जैसे मर्जी ले लो। ओके, ऐसी कॉस्टिंग आ जाती है अपने सीट कवर सीट को लेने वाले इंपोर्ट लेदर के अंदर। क्वालिटी देख सकते हैं। और एक नई चीज आज दिखाने वाले हम अपने व्यूअर्स को, हम अपने आमलेस दिखाने वाले भैया। उससे पहले एक चीज बोलता हूँ, आज हमने माउंटेड कंट्रोल्स लगाए नहीं, रीज़न क्या था? कस्टमर नहीं लगवाया भैया, चॉइस उनकी है। ओके, लेकिन अपने पास जेन्युइन टाटा अवेलेबल है, वो भी डबल साइडेड पियानो वाला। ओके, ये भी लगवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मटेरियल की कमी थी, कस्टमर की चॉइस नहीं थी। ओके, कोई बंदा कमेंट कर सकता है तो अपने पास बिट्टू भाई पे पूरा स्टॉक पड़ा है। ये रहा भैया। ओके, तो कॉस्टिंग भी बताते चलो। 3300 हो गई इसकी कॉस्टिंग, 200 रुपये और कम, 200 रुपये कम हो गए, 3300 रुपीज़ कॉस्टिंग रहने वाली है दोनों साइड वाली। डबल साइड ये रहा, डबल साइडेड पियानो वाला। और सिंगल साइड चाहिए तो सेम कॉस्टिंग, सेम कॉस्टिंग है। हाँ जी, तो इस कॉस्टिंग में तो डबल साइड ही लगना चाहिए। ओके, बाकी इसके अंदर दिखाते हैं हम। सबसे पहले इसमें लगा रखा है आज आमलेस लगाया भी हमने, ये फर्स्ट टाइम हो सकता है? फर्स्ट टाइम इन करोल बाग, इन करोल बाग। हाँ, दिल्ली में लगा हुआ है, फर्स्ट टाइम इन शटर के साथ लगाया भैया। ये फिनिशिंग लगी शटर की हमारे। ओके, ठीक है, बाकी पीछे हमने एसी का ढक्कन लगा दिया। इसमें पीछे से दिखाते हैं एक बार, एसी वेंट भी अपना, जो ये बिट्टू भाई होल है ये अभी कवर अप होगा, इस पे टेप लगेगा। ओके, कवर अप हो जाएगा ब्लैक टेप। वैसे ये किस लिए होल होता है? ये एसी कंट्रोलर के लिए होता है। ओके, कंट्रोलर के लिए होता है। चाहे तो इसमें स्विच भी लगवा सकते हैं, लगवा सकते हैं अगर किसी को नॉर्मल, हाँ नॉर्मली कुछ भी लगवाना है, ऐसे ब्लैक जो आते हैं ना हमने पीछे लगाया पार विंडो में, वो भी लग जाएगा। ओके, वो भी लग जाएगा बिल्कुल। बाकी अगर स्विच लगाना है तो कॉस्टिंग उसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन वो बस एक डेमो पीस होगा बिल्कुल, मतलब वर्किंग नहीं होता। अगर किसी को रेयर एसी वर्किंग करवाना वो भी हो जाएगा, हो जाएगा भैया, टाइम देना पड़ेगा, ब्लोअर लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। ओके, बाकी ये देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है, मतलब ये कोई जुगाड़ नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है भैया, प्रॉपर ये आमलेस लगाया है, ये शटर लगाया है, पीछे इसके ढक्कन प्रॉपर कट टू कट फिटिंग इसकी देख सकते हैं, जो गैप आता है ये स्लाइड होता है? नहीं, स्लाइड नहीं आता इसके अंदर। ओके, इसमें स्लाइड नहीं आता। ओके, नेक्स्ट वन में स्लाइड नहीं आता, बस नॉर्मल आर्मरेस्ट रहता है, अंदर भी कवरिंग के लिए कुछ नहीं होता इसमें? नहीं है, कुछ नहीं देती कंपनी। ओके, कुछ इसके इवन एग्जिट में जो आता है वो सेम यही आता है। ओके, टॉप मॉडल में, टॉप में भी ऐसे ही सेम आता, नीचे खाली एसी की पाइप आ जाती है। ओके, तो ये सारी चीजें थी, और ये हमने लगा रखा है इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसमें की इसकी जो थी फ्लिप की तो ऑप्शन आता नहीं है, इसमें बेस में तो कुछ नहीं आता है, एक सेंट्रल लॉक लगाया आरडी का है, प्लस एक फ्लिप की बनवा के दिया भैया को हमने। ओके, आरडी ब्रांड में, जिसमें आपको टाटा का लोगो भी मिलता है, 3 इयर्स की वारंटी मिलने वाली है, देख सकते हैं लॉक हो गया, अनलॉक हो गया। बाकी एक बार इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिखाते हैं आपको, तो ये अपना डैप्स है, डैप्स का रहने वाला भी है, 2GB 16GB के अंदर विद एप्पल कारप्ले लगेगा, लेकिन एक मिड रेंज का सिस्टम रहने वाला है, टी लिंक के अंदर इसका एप्पल कारप्ले चलता है। ओके, इसमें अबव ऑप्शंस भी आते हैं, नीचे वाला भी आता है, कस्टमर की चॉइस मीडियम रेंज। एंड्रॉइड की बेसिक रेंज स्टार्ट कितने से? 4500 से शुरू हो जाता है, किसी को बिल्कुल बेसिक लगाना है 4500 रुपए है, किस मीडियम में जाना है 6.5-9.5। ओके, टॉप एंड में जाना है 13.5-16-18.5। ओके, तो बेस्ट की डेफिनेशन में जाओगे 18.5-19 की रेंज में। ओके, स्टीयरिंग कवर भी इंस्टॉल करा OEM वाली फिनिश में, ब्लैक मिलेट फिटिंग के साथ। ओके, बाकी स्पीकर्स में आपको बताई चुका हूं, ब्लॉपंग के कंपोनेंट पीछे, ब्लॉपंग के क्विजल। ओके, ये सेटअप बेसिक बेने सिस्टम लगवाया है। ओके, इसमें ग्लोब बॉक्स में भी लाइट लग सकती है? लग सकती है, मैं लगाई भी पिछली वीडियो में लगाया था, भैया की चॉइस नहीं थी। ओके, तो ओवरऑल कॉस्टिंग क्या पड़ जाती है इतने का? कस्टमर बताएंगे। ओके, कस्टमर से बात करते हैं और रिव्यू जानते हैं कैसा लगा उन्हें काम।
सो फाइनली हमने दिखा दी, नेक्सॉन कंप्लीट हुई, तो भाई की कार थी। तो भाई कहाँ से आए? मैं खानपुर से। ओके, तो कैसे पता लगा था आपको तिवारी कार? मैं वीडियो देख रहा हूँ भाई की, मैं मेरे पापा दोनों, तो हमने तभी सोच लिया था बेस मॉडल का नेक्सॉन में। Okay. वीडियोस देख के पता चल गया था कि हाँ काम बढ़िया है, सब अच्छा है, उसी के थ्रू आए थे। आपने कहीं और भी ट्राई करा था या? नहीं नहीं, नहीं। सीधा आते ही पूछा था तिवारी एंटरप्राइज कहाँ पे, वो डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए कॉल करके भैया को। ओके, ऑल ओवर काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया था भाई, अच्छा था। जेन्युइन पार्ट्स थे इनके पास? जेन्युइन पार्ट्स थे, सब कुछ दिखा के डाला और सामने सामने काम हुआ, कोई इशू नहीं था और स्मूथली सारा काम भी पड़ गया। ओके, बाकी अगर रेटिंग की बात करूं 10 में से आप क्या देंगे? मैं 9.5 10 दे दूंगा, क्योंकि मेरे को अभी तक कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई, सारा स्मूथली काम हो गया मेरा। 9.5 या 10? अगर 10 ले लो, क्योंकि मेरे को तो आप दे सकते हैं वीडियो में। हाँ, मैं 10 दे रहा हूं क्योंकि इशू तो कुछ नहीं आया, स्मूथली सारा काम निपट गया मेरा। बस अब भैया की एक कस्टमर सर्विस वो देखनी है कि आफ्टर सर्विस क्या है। Okay. वो एक और अच्छा था, मेरे को पता है इनका अच्छा है। Okay. तो बिट्टू भाई से जानते हैं, तो आफ्टर सर्विस दोगे भाई को? बिल्कुल के, कोई भी परेशानी आती है अगर? नहीं, सपोज आगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ सकती है भैया। Okay. अगर आई तो बैठे हैं, बैठे हैं, रिसॉल्व करके दोगे? वैसे एनी टाइम बैठे। भाई ने पूरा एश्योर किया है मेरे को कि, और अभी भी मैं देख रहा था काफ़ी कस्टमर्स एक दो आए थे इनके, जो अभी कल काम परसों काम करा के गए थे, उनको भी पूरा अच्छे से हैंडल किया, सारी उनकी प्रॉब्लम्स पूरी सॉल्व करी, तो वो तो मुझे पता है कि हाँ वो पूरा सही है। ओके, आप रिकमेंड करेंगे आगे? फ्रेंड, कोई भी मेरी दूसरी गाड़ी आएगी या मेरे फ्रेंड की आएगी, और यहीं पे आना है आपको, किसी और को जाना है। सबसे मेन चीज जैसा वीडियो में शो करते थे वैसे ही? हाँ, वैसे ही काम तो सेम हुआ, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं था, काम बिल्कुल सेम हुआ है जो मैंने वीडियो में देख कर आया था, और सारी चीज़ वही है। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की वीडियो अपनी, जो हमने नेक्सॉन दिखा दी। जो टोटल बजट भैया का आया था भैया, वो 1.10 के आसपास आया था, इंक्लूसिव ऑफ अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स इंक्लूड करके 110 का बजट। अगर थोड़ा सा इसमें एक दो चीज़ें रह गई है, अगर वो कोई कस्टमर करवाते तो 1.15-1.20 के आसपास आता है टोटल बजट। ओके, जो ऑल ओवर टोटली चेंज करना है बेस मॉडल आपके सामने है। 1.10 इसका आया, तो एक दो चीज़ें रह गई है, इसका टोटल बजट 1.20 के आसपास आएगा। ओके, एवरीथिंग टॉप क्वालिटी की चीज़ें। किसी भी भाई को नेक्सॉन का काम करवाना है तो आ सकता है अपना तिवारी कार एसेसरीज पे, स्क्रीन में फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा नंबर, बाकी बिट्टू भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिट्टू भाई, कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा है भैया? जब भी आपको बता देंगे, बता देंगे, सारे पार्ट्स अवेलेबल है, अवेलेबल है भैया के भी। आप कितने मैं कल 3:30 में आए थे भैया, अभी 4:30 घंटे लगे हैं। ओके, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ऐसे मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।